ये थ्योरी वाला पोर्शन ना, अगर आपको प्रैक्टिकल समझ में आ गया, हाँ सर इसमें ऐसा होता है ऐसा होता है, फिर थ्योरी पढ़ूंगा क्लियर हो जाएगा, हाँ ये तो करा तो था, अभी प्रैक्टिकल में यही बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं पहले प्रैक्टिकल ही करा देता हूँ। सर क्या कहता है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है ई परचेज ए हाउस 2005 में 4,10,000 एंड पेड 1,000 गेटिंग फॉर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। 15/6 को ही स्पेंट, ध्यान दीजिएगा, 15/6 को इसने 1,80,000 रुपए खर्च दिए। इंप्रूवमेंट ऑफ हाउस, द हाउस सोल्ड ऑन 21/10/21 को कितने का? 25 लाख का। कमीशन भी दिया सर 45,000। वॉज पेड सेल हाउस, कंप्यूट कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। अब देखिए सवाल के अंदर सीआईआई दे रहा है, सीआईए क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, तो हम ना इसको सीआईआई भी बोल देते हैं। सीआईआई क्या है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। महंगाई के लिए तो था कि महंगाई बढ़ गया तो हमारा रेट वही मिलना चाहिए। कहता है सर 5/6, 6/7 और 21/22 का हमने कुछ डेटा आपको दे दिया है, तो सवाल एग्जाम में ऐसे ही डेटा मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि आपको बार बार देखना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, तो डेटा जैसे यहां मिला है मिलेगा। चलिए सर, सर इसके अंदर एक नई बात आ गई इंप्रूवमेंट की। अच्छा इंप्रूवमेंट की बात आ गई है, देखिए क्या लेंगे सर? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सर कितने का बिका? खर्च दिया इस पे लेस एक्सपेंस कितने रुपए? कितने? 45,000। एनएससी नेट सेल कंसिडरेशन 24 लाख, 55,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसने खरीदा था कब? सवाल में कहता है 28/6/2005 को खरीदा था और उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन पेड किया था ये, तो सर 28/6/2005 में खरीदा गया था 4 लाख और उसके ऊपर एक्सपेंस रजिस्ट्रेशन का कर दिया था उसने 1,10,000। तो सर अब जो देखा जाए तो 5,20,000 मेरे पॉकेट से खर्चे गए थे, अब यहां पे लिया जाएगा 5,20,000। अब इनटू और डिवाइड, सर जिस साल खरीदा गया था डिवाइड और जिस साल बेचेंगे वो तो 317 है, और जिस साल खरीदा गया था डिवाइड, तो खरीदा गया था हमारा 5 और 6, तो सर 5 और 6 में 117। समझ में आई बात आपको? पहले देखिए, अब इसके अंदर एक पॉइंट और आ गया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट हो गया। सर कहता है इसने 1,80,000 और खर्च कर दिए, कब सर? 15/6/2006 में इसने कितने खर्च दिए? तो सर ये भी मेरे कॉस्ट का पार्ट आ जाता है 1,80, और इसका भी इंडेक्सेशन करना होगा, जिस साल बेचा गया वो 317 और जिस साल खर्चे गए उसका डेट लेना है, तो खर्चा गया हमारा और इसका हमारा क्या है 100, तो सर 122 आ गया। तो सवाल को सॉल्व करते हैं, अब बड़ी सीधी साधी बात है, 5,20,000 इन डिवाइडेड बाय 117 कितना आ गया? 14,08,000, यही है, ठीक है। अगले का 4 लाख, यही है, एक और जीरो, 4,67,000, सर इसको माइनस करिए, क्या आ रहा है?
578408। चलिए सर बताइए कोई डाउट। बच्चे कह रहे हैं सर 7.5 का आंसर। सब आंसर दिखाएंगे, चिंता मत करिए, सारा आंसर दिखाएंगे। और आपके पास अगर बुक है तो बुक में तो अवेलेबल होगा ही आंसर, दे रखा है बुक में, देखो आप, आपके पास होगा तो। देखो हमने कितने सवाल कर लिए, चार। पहले सवाल में देखा बड़ा बेसिक सा चीज था, और के अगर पुरानी वैल्यू होगी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक सवाल देखा अगर कोई पर्सन जिसने ओरिजिनल खरीदा था और वो प्रॉपर्टी उसके किसी बच्चे के नाम पे चला गया तो कैसे करेंगे, गिफ्ट हुआ तो कैसे करेंगे, अगर इसमें इंप्रूवमेंट हो गया तो कैसे करेंगे, वो चीजें हमने देखा। आगे बढ़े हम, चलिए सर एक और सवाल, बस अभी तो और भी सवाल है, बस लास्ट, बड़ी जल्दी खत्म हो गए सारे सवाल तो। चलिए सर इसमें क्या सिखाया गया एक बार देख लेते हैं। रेजिडेंशियल हाउस है और अमाउंट स्पेंट, चलिए हाँ अभी जिसको सवाल नहीं दिख रहा अभी दिखा देते हैं, चिंता मत करिए। हाँ बता तो दिया, अभी दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं बहुत, देखो ये लीजिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, कहता है आर एक्वायर अ रेजिडेंशियल हाउस, एक घर खरीदा, और घर खरीदा 1900 सर कितने का, 8 लाख का। ही स्पेंट 60,000 और इसी घर के ऊपर इसने एक्सपेंस कर दिया। सर एक्सपेंस क्या किया होगा, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं, देखते हैं कौन बच्चा सही से जवाब देगा। पहले मैंने एक घर खरीदा, ही स्पेंड 60,000 इंप्रूवमेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मैंने समझ लो मैंने और पैसे खर्च कर दिए और एक प्रॉपर्टी और इसके ऊपर बना लिया। कब खर्चे ये, और इस इंप्रूवमेंट में मेरा पैसा चला गया, यानी दो मंजिल का मकान, दो फ्लोर का मकान हो चुका है हमारा। पहले खरीदा था वन फ्लोर था, एक और इसके ऊपर मैंने बना लिया 60,000 खर्च करके। फ्लोर लिखा नहीं है, बस मैं समझाने के लिए आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं। अ फर्दर अमाउंट 2 लाख वॉज स्पेंट बाय, अच्छा ये खर्चा पे खर्चा किया जा रहा है तो और भी इस पे खर्च किया इसने, टाइल वगैरह लगवा दिया यहां। और सर ये कब किया इसने, 15/11/2005 में, कितने रुपए, 2 लाख रुपए। वॉज स्पेंट हिम ऑन 15/11/2005 ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ हाउस, आर गिफ्टेड। अब लो सारा काम करके इसने सारा काम खराब कर दिया। आर ने गिफ्ट दे दिया अपने सन को, बी को, कब दे दिया इसने सन को, कब, 12/10/2014 में गिफ्ट कर दिया। और जिस दिन गिफ्ट किया गया, कहता है कि बी को किया गया, उसका बेटे का नाम क्या है, बी है। अब बी को गिफ्ट करा और बी ने बोला चलो मैं और इसको बेहतर तरीके से बनाऊंगा, और बी ने कुछ एक्सपेंडिचर कर दिया, एक इतने का और दूसरा एक्सपेंडिचर ये कर दिया। यानी बी ने जैसे ही घर इसके हाथ में आया, इसने फटाफट एक्सपेंडिचर करना चालू किया। 15/7/2015 को एक खर्चा इसने 2,40, और फिर खर्च दिया 15/6/2021 में भी पैसे लगाए इसने। यानी इसके जो भी बच्चा था, इसका सन था, उसने इस घर में और भी खर्च किए। समझ रहे हो क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन क्या हो रहा है, आगे इंप्रूव होता जा रहा है। पहले सिंपल सा था, अब थोड़ा सा एक स्टेप इंप्रूवमेंट, अब इंप्रूवमेंट में दोनों आ गए, यानी जितना सीखा सब कुछ आ रहा है यहाँ पे।
कहता है बी सोल्ड द अबव हाउस और बी ने 2021 में बेच दिया, कितने का? 60 लाख का। तो सबसे पहले तो यहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सर कितने का बेचा? 60 लाख रुपए का। एक्सपेंस 2% तो लेस हो जाएगा, कितने? 2%, 1/20, 30 कौन बोल रहा था भाई? तो यहां बचेगा 58,80। कंप्यूट द कैपिटल गेन और आपको फेयर मार्केट वैल्यू दे दिया 12 लाख रुपए, ठीक है। सर फेयर मार्केट वैल्यू कब का है? मैं इसको अलग से कर देता हूं ताकि आपको हाईलाइटेड रहे। 1/4 फेयर मार्केट वैल्यू पता है क्या होता है? आप मकान के सामने खड़े हो गए, मकान को देखा और आप बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हो और फिर आपने बोला भैया इसकी कीमत इतनी होगी, ये तो भैया 20 लाख से ऊपर का प्रॉपर्टी है ही नहीं, दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू। अब जब आप देख रहे हो मकान को तो आपने सब कुछ देखा होगा, पूरा 2 मंजिल का है, 3 मंजिल का है, 4 मंजिल का है, या क्या चीजें हैं, टाइलें लग रहा है, लोकेशन सब कुछ देखोगे ना आप, क्योंकि आप अगर प्रॉपर्टी डीलर हो तो ईच एंड एवरीथिंग देख के फिर खरीदोगे। तो सर आप मुझे बताइए, सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे क्या, सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करूं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो हम लेंगे फेयर एफएमवी जो कि चलेगा 12 लाख से। अब इसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ, सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एक नहीं है, एक कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये 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 है। मेरा सवाल है क्या 60,000 रुपए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? क्यों नहीं लिया जाएगा? नहीं, 2001 से पहले क्यों नहीं लिया जाएगा? कोई लॉजिक बताइए सर। बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं दिख रहा, पूरा दिखा दो, अब तो दिखा दिया। जवाब है सर नहीं लिया जाएगा, जवाब है नहीं लिया जाएगा। आप देखो मैं 2001 में हूं, 2001 में मैं बोल रहा हूं इस प्रॉपर्टी का इतना है, तो सिर्फ पहली मंजिल का बताऊंगा या पहली और दूसरे फ्लोर दोनों का ही बताऊंगा? अगर मैं 2001 में खड़े होके इस प्रॉपर्टी का एक वैल्यूएशन लगाऊं तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का बताऊंगा या दोनों का, पूरे मकान का? अब पूरा मकान का अगर मैं वैल्यू बता रहा हूं यहां पे कि 12 लाख है, तो ऑटोमेटिकली ये इंप्रूवमेंट वाले को देख के सब जुड़ चुका है ना इसमें, समझ रहे बात को? तो इसलिए अगर आपका 2001 से पहले एनी काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट डन बाय एनी एसएससी then it will be ignored. उसे क्या कर देंगे? क्यों? क्योंकि 2001 में वो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, क्योंकि वैल्यूएशन पूरी हुई होगी। तो सर यहां पे 60,000 रुपए तो नहीं लेंगे, अब बचे 3। अब 3 में एक पिताजी का कितना? 2 लाख, और 2 बेटे का। अब बेटे वाला लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा? सर पिछली बार बेटे वाले का फेयर मार्केट वैल्यू छोड़ दिया था, पिछली बार क्या करा था? छोड़ दिया था। अब बेटे वाला लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा भाई, बेटे ने जो भी इंप्रूवमेंट किया, एक्चुअल पैसा खर्चा हुआ है तो लिया जाएगा। यानी सर अगर बेटे को घर गिफ्ट में मिला तो जिस दिन घर गिफ्ट में मिला उस दिन मार्केट वैल्यू क्या है डजंट मैटर, लेकिन अगर उसके बेटे ने या जिसको भी मिला है उसने कोई भी इंप्रूवमेंट डन कर दिया तो वो कंसिडर किया जाएगा। तो सर यहां पर लिया जाएगा 2,40 भी, और यहां पे लिया जाएगा 1,80 भी। अब सर फटाफट से इंडेक्सेशन लगाइए, इनटू में तो 317 करेंगे, डिवाइड करेंगे हम 100, फिर से इनटू में 317 करेंगे, सर डिवाइड करेंगे। अब दूसरा जो इंडेक्सेशन हुआ था 5 में हुआ था, तो 5 का वैल्यू निकाल ले, 5 क्या होगा ये, 5 और 6 में जाएगा ये। तो सर 5 और 6 का अगर हम देखें
कितना है आप बुक में देख के बताइए कितना है, 117 इंटू में 317। अब जो तीसरा उसके बेटे ने किया है सर, वो 2015 में किया है, ये 15 और 16 बनेगा तो कितना हो गया 254। इसके बाद आ जाते हैं सर आपका 2021 के अंदर, 21 और 22 के कैटेगरी में जाएगा तो कितना आएगा, इंटू 317 तो करी दे और डिवाइडेड बाय 317 आएगा। समझ में आई बात? चलिए सर टोटल करके आंसर निकाल ले, 38,04,000। आगे एक और जीरो, एक मिनट। चलो आगे। हाँ अरे मन मन में नहीं बोलना, सर 541। आगे टू 99, 527 और 180। सर अब ये पूरा सवाल हो गया जिसमें आएगा एल टी माइनस 380 माइनस 541880 माइनस 299527 माइनस 180। सर ये आ गया 10,54,59। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एक बात याद रखिएगा, हमेशा 20% का कैपिटल गेन टैक्स ब्रैकेट लगता है, स्पेशल रेट लगते हैं, तो इसके स्पेशल रेट जितने भी कराएंगे तो सारा कवर कर लेंगे। पहले देखिए ये सवाल समझ में आया या नहीं आया। सर 12,00,000 क्यों लिया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में? खुशी आपको हर बार एक ही प्रॉब्लम क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, मार्केट वैल्यू 12,00,000 क्यों लिया, क्योंकि आपके हिसाब से क्या लेना ये बता दो, आपके हिसाब से क्या लेगा तभी मैं समझा पाऊंगा ना और अच्छे से। आप बताइए जितने भी बच्चे हैं बैठे हुए हैं बताइए, क्या सही है, सारा समझ में आ रहा है? 10 नंबर का ऐसा सवाल आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। अरे बड़ी जल्दी 9 बजने वाले हैं, खुशी क्या आना चाहिए? चलिए चलिए कोई बात नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा क्लियर। ये इसलिए लेते हैं कि अगर आपने 2000, मैं फिर से बता देता हूं, द डाउट इज डाउट। 2001 से ध्यान दीजिए, 2001 से पहले हमारे पास इंडेक्सेशन नहीं होता है, इधर नहीं दिख रहा है तो इधर बता देते हैं, 2001 से पहले इंडेक्सेशन नहीं होता है, तो 2001 का जो फेयर मार्केट वैल्यू होता है हमेशा वही लेते हैं, क्योंकि उससे पुराने वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए हमारे पास वैल्यू नहीं है। इसलिए जो अभी हमने सवाल किया है इसके अंदर, आप ध्यान से देखो कहां गया, जो हमने अभी सवाल किया है इसके अंदर ये जो वैल्यू गिवन है ये 2001 से पहले वैल्यू गिवन है जिसका इंडेक्सेशन नहीं है, इसलिए हमने 2001 को जो फेयर मार्केट वैल्यू गिवन था वही कंसिडर। एक सवाल आता है सर, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 2001 में वैल्यू कम हो, गवर्नमेंट ये नहीं कहता कि आप फेयर मार्केट वैल्यू लो, गवर्नमेंट ने लॉ में कहीं नहीं लिखा कि एसएससी शुड बी ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, गवर्नमेंट ने कहा हम दो वैल्यू बता देते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू और आपका पुराना वैल्यू जो इच्छा करे मान लो। तो आपको पता है कुछ समय के बाद तो हमेशा प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता है तो एफएम भी ज्यादा होता है, इसलिए हमेशा अक्सर कंसिडर किया जाता है, लेकिन फॉर द टैक्स पर्पस प्लानिंग के लिए मान लेते हैं कि 2001 में होता 3,00,000 रुपए, प्रॉपर्टी का रेट डाउन भी हो सकता है कई बार, कितने का होता 3,00,000, जैसे यूक्रेन में जाओ, हाँ महंगी खरीदी थी और 2001 खरीदा, मान लेते हैं यूक्रेन में अगर आपने कितने का खरीदा होगा आज आपको वहां पे सस्ता मिलेगा, है ना, क्योंकि वहां पे ऐसा सिचुएशन बन गया वॉर वाला, सब बेच रहे हैं, सोच रहे खरीदने वाला तो कोई है ही नहीं। तो क्या पता 2001 के अंदर आपकी वैल्यू कम हो और खरीदा ज्यादा हो, ये आपका 8,00,000 रुपए का और यहां पे मैं बोलूं 4,00,000 है,
तब आप कौन सा कंसीडर करोगे फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स प्लानिंग? तो मैं बोलूंगा सर हम 2001 की मार्केट वैल्यू को इग्नोर करेंगे, जो ज्यादा वैल्यू होगा ना, वट एवर इज हायर, हम वो कंसीडर कर सकते हैं। समझ में आई बात आपको? ये जिनके पास पीटीपी है ना उनके लिए हेल्प करेगा, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन में डाल सकता है। कई बार बच्चे तो बोलते हैं एक चार का वैल्यू लेना है, एक चार का वैल्यू लेना है, एग्जामिनर ने चालाकी के लिए डाल दिया, आपका वैल्यू चेंज कर दिया, तो उसने जहां एक चार का वैल्यू लिया वो आंसर गलत हो जाएगा पर्सनल टैक्स प्लानिंग के अकॉर्डिंग।